हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ ताप्ती और नर्मदा, उनका डिस्कशन हमने किया था। आज उसी क्रम में हम पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से सबसे पहली हमारी महत्वपूर्ण नदी है महानदी, महानदी रिवर। इट हैज इट्स सोर्स इन द नदर्न फुटहिल्स ऑफ दंडकारण्य। दंडकारण्य एक जगह है जहाँ दंडकारण्य एक प्रोजेक्ट भी चलता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो जंगल वाला एरिया दंडकारण्य, वो रायपुर का, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और वहाँ एक डैम भी बनाया गया है। यहाँ से ये नदी निकलती है दंडकारण्य से और आगे कहाँ कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में इसका विस्तार प्रमुख रूप से है। अधिकांश हिस्सा इसका उड़ीसा राज्य में है और उसके बाद छोटे मोटे कुछ पोर्शन को ये झारखंड के, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश को भी कवर करती है, लेकिन इसका अधिकांश भूभाग, इसका अधिकांश भाग जो है वो उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस दौरान ये लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र कवर अप करता है। ये नदी का जो तंत्र है महानदी का, लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और जहां से ये शुरू होती है दंडकारण्य से और उसके बाद बंगाल की खाड़ी तक, जहां ये अपना पानी वहां मिक्सअप करती है बंगाल की खाड़ी में, उस दौरान इसकी पूरी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। यानी 900 किलोमीटर की लंबाई तय करने के पश्चात महानदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां देखें, जब ये दंडकारण्य से निकलती है तो उड़ीसा में ये प्लेन है, इट इंटर्स द उड़ीसा प्लेन्स नियर कटक। कटक के बारे में आप जानते हैं, जहाँ राइस रिसर्च सेंट्रल, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है उड़ीसा में। तो यहाँ कटक के पास ये महानदी जो है वो उड़ीसा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उसके बाद वहां से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में, लिखा हुआ है इट इंटर्स द बे ऑफ बंगाल एट फॉल्स पॉइंट एंड फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा। फॉल्स पॉइंट एक जगह है, इस जगह का नाम आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस फॉल्स बिंदु के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज फॉल्स पॉइंट। तो दिस इज अ पॉइंट वेयर महानदी ड्रेन्स इट्स वाटर या मिक्स अप इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल बिफोर फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। तो जब डेल्टा का निर्माण होता है उस दौरान ये नदियां छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं अक्सर, और उनके बीच बीच में अपरदित पदार्थों का जमा होता है जिसमें बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये विशाल उपजाऊ डेल्टा का निर्माण ये नदी करती है यहाँ बंगाल की खाड़ी के कोस्ट पे, यहाँ फॉल्स पॉइंट के पास। इट्स अपर कोर्स लाइज इन द सासर शेप्ड बेसिन। इसका जो ऊपरी भाग है, अपर कोर्स जो है यानी ऊपरी का जो हिस्सा है जहां से ये निकलती है रायपुर से, तो यहाँ के एरिया में ये जो है एक सासर के शेप की, जैसे सासर आप देखते हैं प्लेट, छोटी प्लेट को हम सासर कहते हैं, उस शेप का एक बड़ा विस्तृत मैदान निर्मित करती है जिसे हम छत्तीसगढ़ प्लेन कहते हैं। पूरे प्रायद्वीपीय भारत में ये एक सबसे विशाल मैदानी भूभाग है। अदरवाइज प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ भी थोड़े मोड़े मैदान हैं वो नदी के तटीय क्षेत्रों में है या कोस्टल एरियाज में है, अगर मध्यवर्ती भाग में कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ का ही मैदान है जो इस नदी के द्वारा निर्मित होता है। इसमें छोटी छोटी और कई सारी नदियाँ यहाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो इस नदी का जो अपर कोर्स है वहाँ, ये छत्तीसगढ़ का प्लेन इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी जिसे हम कहते हैं, वो है शिवनाथ रिवर, उसके बाद हंसदेव, मांड रिवर, ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जो इसके लेफ्ट उससे जाती हैं, मिलती हैं बाएं तरफ से, और उसके बाद ओंग है, तेल है और जोंक नदियाँ इसके राइट बैंक से मिलती हैं। इस तरह से ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें इन नदियों पे प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। जैसे लिखा हुआ महानदी पे तो डायरेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा विशाल का डैम बना हुआ है हीराकुंड महानदी पे। आप कभी जाए उड़ीसा, हमने जाके देखा उस डैम को, ये एक हीराकुंड डैम है। और इसके साथ साथ जो हंसदेव बांगो ये प्रोजेक्ट है जो हंसदेव नदी पर है, इन दोनों जगहों पे
बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किए गए हैं, जहां से जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ पूरे वर्ष भर उन सारे एरियाज को सिंचाई के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है इन दोनों परियोजनाओं से, हीराकुड से और हंसदेव से। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है इसकी हम आगे बात करें उसी के सिलसिले में, जैसे कि हमने देखा था मानचित्र में आपको देखें तो हम बिल्कुल उसी क्रम में चल रहे हैं। ये हमारी महानदी है जहां की है पूरा एरिया देखें, अधिकांश हिस्सा जो ये उड़ीसा राज्य में, पूरा ये उड़ीसा राज्य और उसके बाद ये छत्तीसगढ़, यहां से निकलती है छत्तीसगढ़ में, देख रहे हैं आप ये पूरी नदी। कुछ हिस्सा इसका जो है वो थोड़ा मोड़ा छोटी छोटी विधिकाएं इन राज्यों से भी इसमें मिलती है। उसके बाद हम दूसरी महत्वपूर्ण नदी की बात करने जा रहे हैं जिसे हम गोदावरी नदी कह रहे हैं। देख रहे हैं इसका पूरा कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पश्चिमी घाट से के पूर्वी ढाल से निकल रही है महाराष्ट्र से, ठीक है, और यहाँ पूरा ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, यहाँ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को ये कवर अप करती हुई है नदी, यहाँ से निकलती हुई और आके यहाँ गिरती है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें गोदावरी के बारे में, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी ये जो है वो प्रायद्वीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है जिसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। इसकी लंबाई की वजह से दक्षिण गंगा, जैसे भारत उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे लंबी है उसी तरह से दक्षिण भारत में ये नदी सबसे लंबी है, तो इसको कहते हैं दक्षिण गंगा। एक दूसरी जो है कावेरी उसको हम कहते हैं गंगा ऑफ साउथ, वो अलग नाम है उसका। तो यहाँ दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, क्योंकि इसकी लंबाई आप देख रहे हैं कितना है, 1465 किलोमीटर लंबाई ये नदी है, पूरे वहाँ पश्चिमी घाट के ढाल से निकलते हुए पूरे प्रायद्वीप को कई सारे राज्यों को पार करती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसकी जो उत्पत्ति है आप देखें महाराष्ट्र में कहाँ से, यह है त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर एक जगह है नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र राज्य के, तो इस नासिक से निकलती है त्रिम्बकेश्वर से। कभी कभी इस नदियों के उत्पत्ति स्थल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखिए, ये जो त्रिम्बकेश्वर है, त्रिम्बकेश्वर जो नासिक जिले में वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो पहले तो क्या होता था जिलों का नाम पूछा जाता है, अब उन उद्गम स्थलों का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। इट एक्सटेंड्स मेनली ओवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, वहां से निकलती है, उसके रास्ते में फिर पड़ता है आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, इनके अलावा बाकी थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका कुछ जो मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में भी है, इनकी कुछ सहायक नदियां जो वहां से आके इसमें जल प्रवाहित करती हैं, पर मुख्य रूप से ये इन पांच राज्यों में होती है, प्रवाहित होती है, जहां लगभग लगभग देख रहे हैं 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर अप करती है। तो इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो भी प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है, इसीलिए इसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं। बिलो राजमुंद्री, जिसको हम राजमहेंद्री भी कहते हैं, राजमुंद्री भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में, वहां के बाद ये क्या होता था, रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू मेन स्ट्रीम्स। जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरने को होती है तो राजमुंद्री के पास ये दो शाखाओं में बंट जाती है। ये दो शाखाएं कौन से नाम से जानी जाती है, एक का नाम है गौतमी गोदावरी जो पूरब की तरफ है, और दूसरी जो है वो वशिष्ठ गोदावरी है जो पश्चिम की तरफ है। यानी जब वो डेल्टा निर्माण करने के समय पहले ही जब बंगाल की खाड़ी में मिलने जा रही होती है तो दो बड़ी द्वितीयकाओं में ये बढ़ जाती है, जिसको हम गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो बंगाल की खाड़ी के तट पर पहुंचती है तो वहां एक बड़े विशाल का डेल्टा का निर्माण करते हैं, और वो बड़ा उपजाऊ पूरा गोदावरी प्लेन वो कहलाता पूरा एरिया, और वो गोदावरी डेल्टा है जहाँ बड़ी अच्छी राइस कल्टीवेशन होता है, खासतौर से इस छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, इसमें भी महानदी में, और यहाँ भी राइस कल्टीवेशन होता है। ये लिखा हुआ है इट फॉर्म ए लार्ज डेल्टा बिफोर इट पोर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। पोर्स का मतलब शामिल हो जाना या उड़ेलना जिसको हम कहते हैं। तो वहां पहुंचने से पहले एक बड़े विशाल काय डेल्टा का निर्माण ये गोदावरी नदी करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो मांजरा, धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, प्राणिता, पेंच। अगर आप मानचित्र में देखें इन सारी नदियों का नाम आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए
वैनगंगा दिख रही, इसी के साथ यहाँ पैनगंगा है, यहाँ उसके बाद वर्धा है, यहाँ देखिए गोदावरी की मुख्य नदी है, इंद्रावती है, ये सारी इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। ये सारी सहायक नदियां विभिन्न क्षेत्रों से अपना जल लेकर इसमें मिक्सअप होती हैं। वर्धा है, प्राणिता है, पेंच है, साबरी है, इंद्रावती है, प्रवरा है, मूला है, बांध, ये कई सारी नदियां हैं, पेड़ वागू है, मैनर है, ये कई तरह की छोटी छोटी नदियां हैं और कुछ उसमें बड़ी नदियां हैं जो आके अपना जल गोदावरी में मिलाती हैं। इन्हीं नदियों पर कई सारे पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। जिन अगर हम देखें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इस पे कौन कौन से हैं, वो तो है श्री राम सागर, इसको याद रखिएगा, कई बार ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ये जो जलाशय हैं, ये सागर जो सब जलाशय हैं जहाँ डैम बना दिया जाता है, उन बांधों के पास बड़े बड़े जलाशय विकसित होते हैं, उन जलाशयों का नाम इन प्रोजेक्ट्स के साथ पड़ा हुआ है। तो एक का नाम है श्री राम सागर, दूसरा है गोदावरी बराज, इस पे अपर पेन गंगा पे बना हुआ डैम जैकवाड़ी में है, अपर वेन गंगा, अपर इंद्रावती एंड अपर वर्धा, तो इन नदियों के उच्च भागों में आमतौर पर जितनी नदियों का नाम लिया जा रहा आपसे, चाहे वो वेन गंगा हो, चाहे वो इंद्रावती हो, चाहे वर्धा हो, चाहे पेन गंगा हो, इसके ऊपरी भागों में जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में है, नदियां अपेक्षाया संकरी हैं, जहाँ डैम बनाने की कॉस्ट कम है और पानी इकट्ठा होने की मात्रा ज्यादा है, ऐसी जगहों पर कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है जहां से जल विद्युत के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी पर्याप्त जल की उपलब्धता वर्ष भर बनी रहती है। तो आज हमने इन दो महत्वपूर्ण नदियों की बात आपसे की। अगली क्लास में हम बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का डिस्कशन आपसे करेंगे। धन्यवाद।